तो गाइस ये है सीगेट की 8 TB की एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, और मुझे इस हार्ड ड्राइव से इतना प्यार है जितना मुझे किसी भी हार्ड डिस्क से प्यार नहीं है, क्योंकि इसके कमरे इतने बड़े बड़े हैं गाइस। कमरों से मेरा मतलब है कि इसमें स्पेस इतनी सारी है गाइस कि मैं जो चाहूँ वो रख सकता हूँ। मुझे ये काफ़ी पसंद है हार्ड डिस्क, और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट से ज़्यादा अच्छी है गाइस। मैंने इसको लगभग 16,000 में ख़रीदा था। इसका क्वालिटी बहुत सही है गाइस। ये देखिए रबर के स्टॉपर्स लगाए गए हैं ताकि ये वहाँ से हिले नहीं, और ये पूरा वेंटिलेशन से वेंटिलेशन से चकाचक भरी हुई है गाइस। ये हर जगह से वेंटिलेशन है इसमें गाइस। सामने इसके 2 USB पोर्ट्स भी हैं, उसके अंदर आप कुछ भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो और उसके अंदर कॉपी कर सकते हो PC के थ्रू ही, बिना PC के नहीं कर सकते गाइस। तो ये हार्ड डिस्क काफ़ी सही है, मैंने इसको सही से रखा नहीं है, सब धूल मिट्टी हो गई है, बट इसको मैं साफ़ कर दूंगा गाइस। इसके पीछे सिर्फ 2 ही पोर्ट्स है, एक वो है जिससे आप USB कनेक्ट कर सकते हो आपके PC से, और जो दूसरा है वो है पावर केबल। तो देखिए गाइस ये है सीगेट बैकअप प्लस हब, और मुझे तो ये काफ़ी पसंद है। ये ऑलमोस्ट 7.25-7.3 TB तक देती है गाइस, और ये इसके साथ जो केबल आती है वो नॉर्मल छोटे हार्ड ड्राइव से थोड़ी सी बड़ी केबल है, थोड़ी नहीं इनफैक्ट थोड़ी ज़्यादा बड़ी केबल है, और ये USB 3.0 सपोर्ट करते हैं। काफ़ी फास्ट क्या बोलते हैं डेटा ट्रांसफ़र होता है गाइस इसके अंदर से। मैंने बहुत बार 4K 60 FPS या फिर 4K 30 FPS वाले 10-bit वाले रिकॉर्डिंग जो भी है वो डायरेक्टली इसी हार्ड डिस्क से मैंने अपने CPU से एडिट किया है, तो उसमें मुझे कोई लैग दिखा नहीं था। बट काफ़ी सही है ये गाइस हार्ड डिस्क, अगर आपका बजट है और आपको अगर लगता है कि यार ये देखिए बजट का कोई सवाल नहीं है गाइस, कभी ना कभी तो आपको ऐसी हार्ड डिस्क लेनी पड़ेगी, या तो आप क्लाउड पे भी सेव कर सकते हो। लेकिन ये हार्ड डिस्क भी सही है क्योंकि आपके पास ही होती है, आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ता। इसका इसका जो अडाप्टर है गाइस, जो पावर अडाप्टर, वो भी काफ़ी सही है, डिसेंट है। बट मुझे कभी भी लगता है कि इसकी वायर थोड़ी सी पतली है, लेकिन अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। इस हार्ड डिस्क को लेके 3 साल हो चुके हैं गाइस, मुझे तो काफ़ी पसंद है ये हार्ड डिस्क और मैं इससे प्यार में हूँ। ये उसका पावर केबल है गाइस, देखिए डायरेक्ट अंदर डाल दीजिए और ऑन कर दीजिए, और ये भी डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है गाइस। इसमें भी कोई सॉफ्टवेयर विफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता है, डायरेक्ट चालू हो जाती है गाइस। इसको बस संभाल के रखिए, इसको कभी गिराइए मत, क्योंकि यार गिरने के बाद भाई मुझे नहीं पता इसके साथ क्या होगा, ठीक है। तो काफ़ी सही हार्ड डिस्क है, मेरे को तो काफ़ी पसंद है, अगर आपको भी पसंद है अलग अलग रिव्यूज़